6 March 2024. Considering the gravity of the allegations leveled in the said letter, the CJP called a meeting on the same day with the Chief Justice and all the judges of the Islamabad High Court after iftar at 8 p.m. at the CJP's residence. The concerns of all the judges were heard individually in a meeting that lasted for over 2.5 hours. ये एक सेकेंड देखिए आजकल जो है ना कहना तो नहीं चाहिए मगर हो रहा है क्या करें हम पता नहीं गोबल्स का जमाने को वापस ला रहे हैं कि प्रोपेगेंडा भाई इससे ज्यादा अगर कोई मुझे बता सके चुस्ती से किसी ने कोई काम किया हो 26 को खत मिला वसूल हुआ 26 ही को माह रमजान में इफ्तारी के फौरन बाद तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई ठीक है सरसरी मीटिंग मुलाकात नहीं हुई 2.5 घंटे की मुलाकात हुई इस मुलाकात में मेरे साथी सैयद मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट सीनियर प्यूनी जिनको हम कहते हैं मगर आइन में सीनियर मोस्ट जज का नाम है वो भी मौजूद थे ठीक है तो अगर हम इसको इस बात को अहमियत नहीं देते तो ये क्या मीटिंग रमज़ान के बाद नहीं हो सकती थी नहीं हो सकती थी फॉरेन की कहाँ की चीफ जस्टिस हाउस में की ठीक है तो ये अब आगे पढ़िए सर अगला पहला द फॉलोइंग डे 27 मार्च 2024 द सीजेपी मेट विद द अटॉर्नी जनरल एंड द लॉ मिनिस्टर And thereafter, the CJP, along with the senior puni judge, met with the president of the Supreme Court Bar Association and the senior most member of the Pakistan Bar Council present in Islamabad. A full court meeting of all the judges of the Supreme Court of Pakistan was called under the chairmanship of the CJP at 4 p.m. the same day. The full court deliberated over the issues raised in the letter sent by the 6 judges of the Islamabad High Court. A consensus was developed amongst the majority of the members of the full court that in view of the gravity of the situation the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issues raised in the said letter and the meeting was adjourned जी the Prime Minister ने ये जरा सर देखिए कम से कम कोई और कोई बात ये समझे but there will be zero tolerance on the independence of the judiciary कम से कम ये तो मैं इसको नहीं अब हम क्या कर रहे हैं अब हमें अपना काम तो करने देना हो सकता है कोई और हमसे बेहतर काम करना जानता हो मैं इसमें ये नहीं कहता हूं मैं अकेले कुल हूं अगर ये आप सिर्फ देखना है कि किस रफ्तार से काम हो रहा है अब जो वकीलों के नुमाइंदा है नुमाइंदे हैं एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो है एसोसिएशन सालाना इंतखाबात होते हैं उसमें और एक है पाकिस्तान बार काउंसिल 5 साल में होते हैं इंतखाबात 5 साल में इंतखाब होते हैं ठीक है तो यही वो भी मेरे ख्याल में एक बहुत अहम जिसको स्टेक होल्डर कहते हैं पता नहीं इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा स्टेक होल्डर हम इस्तेमाल करते हैं मेरे ख्याल में वो सारी वकीलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं सारे ठीक है हो सकता है आपके मुखालिफ भी हो मगर इस वक्त वो आपके जमहूरी नुमाइंदे हैं आपको पसंद हो या ना वो हैं इसके बाद हम क्या करते हैं तमाम जजेस की मीटिंग करते हैं अभी ज़रा ये बता दें कि अगली पिछली फुल कोर्ट मीटिंग कब हुई थी आई थिंक आफ्टर यू हैड अस्यूम्ड ऑफिस उस वक्त हुई थी एक जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाज टू बी हर्ड आई थिंक बिफोर इट एज फार एज आई एम अवेयर 18 इससे पहले मीटिंग हुई थी 18 सितंबर 2023 को yes. ये पहला दिन था कि जब मैं चीफ yes. वो तो इतवार के दिन था तो वो काम वो वर्किंग डे नहीं था तो पीर का दिन yes. सबसे पहला काम किया फुल कोर्ट की मीटिंग की और इससे पहले कब मीटिंग हुई थी कहाँ थी सारी बार कहाँ थे सारे वकील अच्छा मुझे नहीं समझ आ रहा 4 साल फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई मैं किसी भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ अहमियत इंस्टीट्यूशन की अहमियत चीफ जस्टिस से नहीं होती इंस्टीट्यूशन की अहमियत तमाम जजेस से होती है सिविल जज से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई
किसी किस्म का कोई हमला होगा हम सबसे पहले मैं आऊँगा, फिर यकीनन मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे इसमें, और इंटरफेरेंस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसकी अहमियत, मगर अगर किसी का कोई और एजेंडा है कि मैं ऐसे करूं मैं वैसे करूं, फिर वो इंशाल्लाह या तो प्रेसिडेंट बन जाए सुप्रीम कोर्ट बार के, या चीफ जस्टिस बन जाए, फिर वो अपनी मर्जी कर लें। ये जो प्रेशर जो आएगा ना, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे प्रेशर इस तरह का। अब ये चीज़ें हम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अदा करती है, जुडिशियल फंक्शन नहीं अदा करती, आप हमसे बेहतर जानते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो तमाम जजेस साहिबान थे मिले, और उस पर हमने यकीनन लंबी बात हुई होगी क्योंकि तकरीबन इफ्तारी तक पहुंच गई थी मीटिंग 4 बजे से। तो ये फैसला हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और अगला चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज भी होता है, तो उसको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए कि हम लोग मिलें प्राइम मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेटिवली, नॉट जुडिशियली। ज़रा फ़र्क, आईन में फ़र्क है चीज़ों के, किससे मिले, प्राइम मिनिस्टर से और लॉ मिनिस्टर से, यकीनन उनका ताल्लुक है।